पंचकुला पुलिस ने त्योहारों के दिनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई, लेकिन बावजूद इसके शहर में स्नैचर वारदातों को अंजाम देने में गुरेज नहीं कर रहे। मामला सेक्टर 12 का है, जब देर रात कैब ड्राइवर को चार बाइक सवारों ने ईंट से मारकर उसके पास से करीब 15,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पहुंची और जांच में जुटी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा सरकार ने एक वर्ष में किए कई ऐतिहासिक काम, कोविड के मरीजों का हुआ सही से इलाज, किसानों की समस्याओं का हुआ निवारण, एमएसपी पर हुई खरीद, नहीं होगी मंडियां बंद। चिराग पासवान का नीतीश पर पलटवार, चिराग पासवान ने कहा मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश जांच से ही घबरा गए। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता जारी, बीईसीए डील पर होगा हस्ताक्षर, वॉर मेमोरियल पर पोम्पियो एस्पर ने दी श्रद्धांजलि, कई अहम मसलों पर सहमति मुमकिन। हरियाणा के बलबगड़ में लड़की की सरेआम गोली मारकर हत्या, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, लड़की बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा, लड़की के अपहरण में नाकाम, कर डाली हत्या। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नियम की उड़ी धजिया, बन्नी उत्सव में उमड़ी जबरदस्त भीड़। आईपीएल, पंजाब की लगातार पांचवी जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से मात देकर किंग्स इलेवन पंजाब टॉप 4 में। बिहार चुनाव, रोजगार के बाद महंगाई की एंट्री तेजस्वी, जपने लगे प्याज की माला, नौकरियों के बाद चुनाव में छाई महंगाई। स्वनिधि योजना की लाभार्थियों संग पीएम मोदी का संवाद, यूपी के लाभार्थियों से पीएम मोदी की बातचीत। देश में कम हुई कोरोना की रफ्तार, जुलाई के बाद सबसे कम नए केस आए सामने, आंकड़ा 79 लाख के बाद।